नमस्कार, आप देख रहे हैं वीस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। काशी के ज्ञान व्यापी प्रकरण पर मैं कुछ आपसे बात करूं, इससे पहले एक शेर याद आता है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ज्ञान व्यापी परिक्षेत्र से आज एक बात निकली, सोहनलाल याचिकाकर्ता जो ज्ञान व्यापी मां श्रृंगार गौरी प्रकरण से जुड़े हुए प्रमुख याचिकाकर्ताओं में एक, आज उन्होंने हर हर महादेव का जयगान किया और साथ ही कहा बाबा मिल गए। कौन बाबा मिले, किस बाबा का इंतजार था, क्यों प्रफुल्लित थे सोहनलाल, जरा सुनिए सोहनलाल पत्रकारों के बीच किस अंदाज में प्रफुल्लित होकर के, खुश होकर के और बाबा के प्रति श्रद्धावनत होकर के उन्होंने ऐलान कर दिया बाबा मिल गए। किस बाबा की तलाश थी, जरा आप पहले उनकी बात सुनिए, इसके बाद हम ज्ञान व्यापी प्रकरण पर आपको कुछ खबरें और उससे जुड़े हुए विश्लेषण बताएंगे। के पुनः कह रहे कि बाबा मिल गए और बस सर्वे और सर्वे 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 यह खत्म हो गया है। क्या क्या आज सर्वे हाँ हाँ आ जाए आज हुआ है कहाँ कहाँ सर्वे क्या क्या सर्वे में हुआ है ये बता दीजिए, इशारों इशारों में बता दीजिए। अरे हम कहे जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैर, बस आप समझ। अरे सर खोजिए। तो सुना आपने, ये वही सोहनलाल हैं जो याचिका करता है ज्ञान व्यापी प्रकरण के मां श्रृंगार गौरी से जुड़े हुए उस मामले के, जिसमें ये साफ साफ कहा गया था कि ज्ञान व्यापी परिसर में आदि विश्वेश्वर का, महादेव का ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया की आंखें खुल जाएंगी, और उन्हीं बाबा के मिलने के बाद खुश दिख रहे थे सोहनलाल। बताया ये जा रहा है कि सर्वे में जानकारी मिली है वीडियोग्राफी के दौरान, तहखाने को खोलने के दौरान जो सर्वे किया गया और वजू खाने के पास, अब हम आपको सीधे ज्ञान व्यापी परिसर के उन सभी पहलुओं से रूबरू कराते हैं। वजू खाने से जुड़ा हुआ तहखाना, और तहखाना जो गुंबद के बिल्कुल पास है, उसी गुंबद के इर्द गिर्द एक कुएनुमा स्थान पे 12 फिट आदि विश्वेश्वर स्पष्ट रूप से दर्शन देते हुए उन सभी सर्वेयर को, याचिकाकर्ताओं को और मुस्लिम पक्षकारों को भी नजर आए। हालांकि इस संदर्भ में ढेर सारी बातें हो रही हैं। इस पूरे खबर के लगभग 8 घंटे बीत जाने के बाद कि बाबा मिल गए, चर्चाएं चारों तरफ हैं, और आज उस पर कोई पर्दा डालने की कोशिश करे, कोई कुछ करे, लेकिन सोहनलाल हर राजनीति के किसी भी लाइन से अगर अलग हट करके सिर्फ इतना कहते हुए देखे गए कि बाबा मिल गए। और वो बाबा कौन थे, मां श्रृंगार गौरी प्रकरण से जुड़े हुए जिन देवी देवताओं के बारे में ज्ञान व्यापी परिसर में याचिकाकर्ताओं के तरफ से, जो आप संयोग से कह सकते हैं हिंदुओं की बात कर रहे थे, देवी देवताओं की बात कर रहे थे, आप कह सकते हैं हिंदू पक्षकार थे, उनकी बातें सच निकलती नजर आ रही। हम आपको बता दें पूरा मामला कोर्ट के अधीन है, और कोर्ट को जैसे ही ये सारी जानकारी मिली, हालांकि स्टेटस रिपोर्ट और सर्वे की फाइनल रिपोर्ट 17 मई तक पूरी तरह से कोर्ट के अधीन होगी, लेकिन उसके पहले जो कुछ भी हुआ है वो आपको सुनकर आश्चर्य में डाल सकता है, आप दांतों तले उंगली दबा सकते हैं। प्रशासन को सख्त निर्देश दिया गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनारस को सख्त निर्देश दिया गया, सीआरपीएफ कमांडेंट को सख्त निर्देश दिया गया कि जो क्षेत्र कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है उसे अपने संरक्षण में लें और उस पर पूरी निगरानी करें, अर्थात अब वहां पर कोई एंट्री नहीं, किसी का दखल नहीं, और कोई उसके बारे में अपना बनाने का बताने का दावा करे तो उसकी बात मानी नहीं जाएगी, अर्थात कोर्ट का निर्देश प्रभावी हो गया है। आप हमारे स्क्रीन पर वो पत्रावली देख सकते हैं,
वो निर्देश देख सकते हैं जिसको कोर्ट ने बाकायदा प्रेषित किया है, संसूचित किया है, निर्देशित किया है, वो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्पष्ट है कि सर्वे में तहखानों के सर्वे के दौरान, वीडियोग्राफी के दौरान, जिस वजू खाने, कुएं का और गुंबद के इर्द गिर्द जिन स्थानों पर देवी देवताओं के चित्र या भित्त चित्र का वर्णन किया जा रहा था, वहां कुछ सच्चाई तो है। और बात तो बाबा के मिल जाने की है, अर्थात जिस आदि विश्वेश्वर भगवान शिवलिंग ज्योतिर्लिंग का एक बड़ा आकार वहां पर स्थापित स्वयंभू के तौर पर बाबा का शिवलिंग वहां पर है, जो ये दावा किया जा रहा था, अब सच लग रहा है कि ऐसा कुछ है। हालांकि उन दावों के बारे में कुछ भी इसलिए नहीं कहा जा सकता दावे के साथ कि ऐसा ही है, क्योंकि कोर्ट जब इस पर अपनी पूरी बात रखेगा, उसके आगे की कार्रवाई होगी तो कहा जाएगा। लेकिन सोहन लाल का वो बयान कि बाबा मिल गए, इसके बाद ये चर्चा पूरे देश में हो रही है, आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में भी इसकी चर्चा हो रही है, बाबा मिल गए। दावे ये थे कि आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर से बिल्कुल सटा हुआ ज्ञानवापी मस्जिद, जिसके इर्द गिर्द तीन गुंबद और तीन गुंबद से सटा हुआ वजू खाना और वहीं पर तहखाना, और उन तहखानों की जब वीडियोग्राफी कराई गई तो 10 फीट से ज्यादा के एक कुएनुमा स्थान में आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग, अर्थात आदि विश्वेश्वर भी आप कह सकते हैं, स्वयंभू प्राकट्य शिवलिंग का दर्शन सर्वेयर्स और कोर्ट के कमिश्नर्स की देखरेख में जो भी टीम वहां पर उपलब्ध थी, सबके सामने ये दिखा है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से कोई दावा नहीं कर सकता, ना प्रशासनिक बाध्यताओं के चलते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसी बात रख सकते हैं, और ना ही कोई अन्य पक्षकार और कोर्ट कमिश्नर तो कतई नहीं। लेकिन सोहन लाल के मुंह से जो बात निकली है, इससे इतना तो तय हो चुका है कि जिस उद्देश्य और जो दावे किए जा रहे थे हिंदू पक्षकारों की तरफ से, या यूं कह सकते हैं आप याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उन दावों में सच्चाई है। और वहां पर आदि विश्वेश्वर, मां श्रृंगार गौरी, नंदी और इसके साथ साथ गणेश, हनुमान जी और इन तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां उसके इर्द गिर्द हैं, भित्त चित्रों पर भी हैं, और उनके साथ छेड़छाड़ की बात भी कुछ पक्षकारों की तरफ से की जा रही है जो वाराणसी के रहने वाले हैं। और इस संदर्भ में हमारे साथ बात की, हम आपको बता दें कि एविस्टार न्यूज के साथ याचिकाकर्ताओं के मुख्य वकील हरिश्चंद जैन और उनके भाई और सह वकील विष्णु जैन, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एविस्टार न्यूज के साथ पूरी बातचीत कर चुके हैं। और आज के दिन थोड़ी तबीयत खराब हुई, इसलिए हरिश्चंद पूरे मामले में हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पाए, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जब उन्होंने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट से अनुरोध किया, तो जिस स्थान पर आदि विश्वेश्वर के पूरे प्रमाण मिल गए हैं सर्वे टीम को, जिसकी वीडियोग्राफी तक करा ली गई है, उस पर पिटीशन डाली गई, अनुरोध किया गया, और कोर्ट ने तुरंत ये निर्देश दिया वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, साथ ही साथ सीआरपीएफ के कमांडेंट को, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के पुलिस को, कि उस स्थान पर पूरी निगरानी की जाए और उसे कस्टडी में लेकर के वहां पर किसी के एंट्री और किसी के दखल को पूरी तरह से रोक दिया जाए। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जो दावे किए जा रहे थे आदि विश्वेश्वर अर्थात भगवान भोले के शिवलिंग के विशाल स्वरूप के बारे में, जो शिवलिंग के रूप में वहां पर एक कुएं में मिला है, इस जानकारी के बाद इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने भी इस संदर्भ में ट्वीट किया है, और उन्होंने अपने ट्वीट में भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धावनत होकर के जो बात कही, वो आप हमारे स्क्रीन पर देखिए। हालांकि विपक्ष के कुछ नेता भी इस पर अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं, और खास करके जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तो एक बड़ा बयान दिया है जो आपत्तिजनक है, और उन्होंने कहा है कि इन लोगों को मस्जिद में ही भगवान मिलते हैं, भगवान या अल्लाह
तो मंदिर और मस्जिद में ही मिलते हैं शायद महबूबा मुफ्ती, बहुत एकांगी और बहुत ही संकुचित माइंडसेट के साथ ये बयान देती हुई नजर आईं। हालांकि उनके बयान का एक विरोध और उसके प्रतिक्रिया में जम्मू कश्मीर के ही पूर्व मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने भी बड़ी बात कह दी है कि ताजमहल के संदर्भ में भी जो बातें और जो दावे किए जा रहे हैं, अगर वो कमरे खोले जाएं तो वहां पर शिव हैं या शव हैं ये भी पता चल जाएगा, लेकिन कोई हिम्मत तो करे, कोई इतना दिल तो दिखाए कि सब सहमत हों और कमरे जो बंद हैं, तहखाने जो बंद हैं, जिन स्थानों पर शासन के ताले लगे हुए हैं, अगर उसे खोल दिया जाए। ये हुए जम्मू कश्मीर से आई उस प्रतिक्रिया का जिक्र, और जिक्र तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया है और उन्होंने कहा ज्ञान बापी हमारा है, रहेगा इंशाल्लाह। खैर, असदुद्दीन ओवैसी को क्या कहना है और किस लिए कहना है ये आप सहज समझ सकते हैं, लेकिन कोर्ट के देखरेख में किए और कराए गए सर्वे और वीडियोग्राफी के बाद जो दावे याचिकाकर्ताओं की तरफ से उनके वकील ने किया और जिसकी पूरी की पूरी बात और जिनके द्वारा कहे गए पूरे प्रमाण जो उन्होंने वाक्यों में हमारे एवी स्टार न्यूज के साथ साझा किए हैं, आप उसे सुन सकते हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सर्वे टीम को वीडियोग्राफी के दौरान दिखी है और अब ये सारी रिपोर्ट कोर्ट के पास जाएगी। सवाल ये है कि चर्चा ये होनी चाहिए कि अब कोर्ट करेगा क्या, ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट कोई निर्देश दे। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसका मामला सिर्फ ये है कि कोर्ट सर्वे टीम के प्रमुख सर्वे कराने वाले कोर्ट कमिश्नर को बदलने की जो बात इंतजामिया कमेटी की तरफ से मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही जा रही थी उनको तत्काल हटाने की, हालांकि सर्वे का काम पूरा हो गया, वो औचित्यहीन हो गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जब आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा तो ये तय करेगा कि इसका क्या कुछ होना चाहिए और आगे की कोई भी प्रक्रिया, कोर्ट की कार्यवाही आगे कैसे बढ़ेगी। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी करे, जिस पर नजर रहेगी पूरे देश की। लेकिन इतना तय है कि ज्ञान बापी प्रकरण के सामने आने के बाद जिस तरीके से कोर्ट के निर्देश और कोर्ट के निर्देश के पालन करने के बाद जो कुछ भी साक्ष्य आए हैं और जिस अंदाज में एक याचिकाकर्ता ने साफ तौर पर मीडिया के सामने ये कहा कि बाबा मिल गए, अब स्पष्ट है कि आदि विश्वेश्वर और उनसे जुड़े हुए देव आकृतियां और देव की मूर्तियां ज्ञान बापी परिक्षेत्र में अवस्थित हैं, स्थित हैं, वहां पर मौजूद हैं। उन परिस्थितियों में अब सरकार को क्या निर्देश दिया जा सकता है, बनारस प्रशासन को क्या निर्देश दिया जा सकता है, ये तो वाराणसी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है। लेकिन यकीन मानिए आने वाले समय में अगर इसको राजनीति के लाइन पर पूरे मामले को ले जाया जाएगा और उस पर टिप्पणियां की जाएंगी तो यह बात और दूर तलक जाएगी। लेकिन इतना तय हो चुका है कि गुंबद, मस्जिद का परिक्षेत्र, वजू खाना, तह खाना, वहां पर अवस्थित एक कूप नुमा स्थान जो 10 से 12 फीट का, और वहां पर स्वयंभू आदि विश्वेश्वर भगवान भोलेनाथ का एक प्रचंड आकार का शिवलिंग दिखा है और जिसे और जिसको देखने के बाद सीधे सीधे याचिकाकर्ता ने प्रफुल्लित होकर के, खुश होकर के, आह्लादित होकर के मीडिया के सामने ये दावा करते हुए देखे गए कि भगवान मिल गए, बाबा मिल गए। बाबा मिल गए से मतलब बाबा भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ, ये काशी में एक आम भाषा में बोला जाता है। भगवान विश्वनाथ के उस ज्योतिर्लिंग के मिलने के बाद ज्ञान बापी प्रकरण पर आगे राजनीति भी हो सकती है, हो सकता है सहमति भी बने। लेकिन इतना जरूर है कि इसमें कई ऐसे पक्ष हैं जो वकीलों की तरफ से डाले गए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अब जबकि प्रशासन की उस पर नजर होगी और प्रशासन के देखरेख में वो पूरा परिक्षेत्र अब पूरी तरीके से निर्वाधित रहेगा उन लोगों के लिए जो वहां पर आम गतिविधियां चलाते रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम पक्षकार हो, हालांकि हिंदू पक्षकारों या हिंदू
पक्षकारों के तरफ से जो दावे किए जा रहे थे वैसा हो ही नहीं रहा था, क्योंकि उस परिक्षेत्र में सिर्फ कुछ मुस्लिम्स जाते थे और वो नमाज अदा करते थे। लेकिन इतना जरूर है कि उस परिक्षेत्र में, उस परिसर में वजू खाने और तहखाने से बिल्कुल सटे हुए उसके इर्द गिर्द एक कूप नुमा स्थान में आदि विश्वेश्वर के मिलने के प्रमाण मिल गए हैं। अगर सोहन लाल ने जो मीडिया के सामने प्रतिक्रिया दी है उसके मायने समझे जाएं तो, और इसके बाद जब कोर्ट की शरण में याचिकाकर्ताओं के वकील पहुंचे, ये भी आज की बात है अर्थात सोमवार की बात है, और ये संयोग है कि आज बाबा भोलेनाथ का दिन भी है और काशी में विश्वेश्वर के स्वरूप का दर्शन कम से कम उस याचिकाकर्ता को जरूर हुआ है, इसलिए वो आह्लादित था, प्रफुल्लित था, अपने जीवन को धन्य मान रहा था और इसी धन्य भाव के साथ उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बाबा मिल गए, एक भक्त को भगवान के दर्शन हुए हैं और इससे हिंदू समुदाय में खुशी की लहर है। हालांकि इस पर जो राजनीति हो रही है और ज्ञान व्यापी से जुड़े हुए मुस्लिम पक्षकारों की अपनी बातें हैं, इसलिए अभी इस पर राजनीति होगी, आगे की बात होगी और कोर्ट क्या निर्देश देता है इस पर भी हमें नजर बनाए रखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि वाराणसी कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देशित किया है जिला प्रशासन को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और साथ ही साथ वहां पर सीआरपीएफ के कमांडेंट को व्यक्तिगत तौर पर बुला करके ये कहा गया कि वे जो भी स्थान निर्देशित किए जा रहे हैं वहां पर अपनी सुरक्षा और नजर को बनाए रखें, अपने सुरक्षा घेरे में उस स्थान को रखें और वहां पर किसी की एंट्री और किसी भी तरह की गतिविधि पर पूरी तरह से रोक लगाएं, सख्त पाबंदियां वहां पर सुनिश्चित करें। इससे इतना तो तय हो गया कि ज्ञान व्यापी परिसर में अब कोई भी आम तरीके से गतिविधि नहीं चला सकता है और हो सकता है कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही अब परिसर में नमाज अदा करने के लिए छूट मिले, क्योंकि इस संवेदनशील मुद्दे पर आगे कोई असामाजिक तत्व या वैमनस्य के भाव से कोई गतिविधि आगे बढ़ाते हुए कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व वहां सक्रिय ना हो, इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की भी अब पूरी नजर होगी। लेकिन इतना जरूर है कि बाबा मिल गए, अगर सोहन लाल ने यह दावा किया है तो यह बात अब पूरे देश में पहुंच चुकी है, सब ये जान चुके हैं कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से दर्शन के जो इजाजत मांगी गई थी और उसके बाद इजाजत न मिलने की स्थिति में जो दावे किए जा रहे थे हिंदू देवी देवताओं मां श्रृंगार गौरी और आदि विश्वेश्वर के एक प्राकट्य और स्वयंभू और विशाल ज्योतिर्लिंग की, वो ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ की, आदि विश्वेश्वर की वहां पर मौजूद है। कम से कम जो सोहन लाल ने कहा है उसके मायने इतने हैं और इस संदर्भ में एडवोकेट्स की पूरी टीम अपनी अपनी तरफ से अपनी बातें रख रही हैं, मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से उनकी बातें भी रखी जा रही हैं। लेकिन इतना जरूर है कि दावे और प्रतिदावे के बीच अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मस्जिद परिसर में, ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में स्थित वजू खाने, वहां पर स्थित कुएं और तहखानों के पास आदि विश्वेश्वर का एक बहुत ही विशाल शिवलिंग देखा गया जिसकी वीडियोग्राफी और जिसका सर्वे में सब कुछ साक्ष्य मिला है। ये दावा कम से कम सोहन लाल के बयानों के बाद जो उन्होंने मीडिया के सामने दिया वो स्पष्ट हो गया। बाबा भोलेनाथ का दर्शन आम हिंदू या श्रद्धालु कब कर सकेंगे ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन सोमवार का दिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण है जब एक भक्त ये कहते हुए और खुशी से झूमते हुए देखा गया कि बाबा मिल गए। बाबा के दर्शन सबको कब होंगे, कब सुलभ होगा, वो दिन कब आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या इस पर आगे राजनीति होगी और किसी भी तरह के सौहार्द में क्या कोई कमी आएगी, और अगर आएगी तो उसे दूर कर सामाजिक सौहार्द को बनाए रखते हुए बाबा विश्वेश्वर नाथ के दर्शन एक आम हिंदू श्रद्धालु कर पाएगा, उस दिन का सबको इंतजार होगा। इसी के साथ
मैं इस विशेष प्रस्तुति में अब आपसे विदा चाहता हूं। एवी स्टार न्यूज पर और खबरों के लिए आप हमें देखते रहिए, क्योंकि यहां खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं रुकता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।